तो दोस्तों HDFC Life के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको HDFC Life के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 5% से बड़ा है और ये नंबर निकल कर आया है 12,125 करोड़ पे। तो देखिए, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये जो नेट प्रीमियम कलेक्शन है ये कंपनी का इंडिकेट करता है। तो देखिए, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे कलेक्ट किया, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी वो कांस्टेंट है, कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है और ये नंबर आया है 275 करोड़ पे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर 27% से बड़ा है। तो रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुआ है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये नंबर सिर्फ 4% से बड़ा है और ये नंबर आया है 275 करोड़ पे। ये गलती से मेरे से मिस टाइपिंग हो गई है, लेकिन ये नंबर 275 करोड़ पे है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे तो हमें जो नेट प्रीमियम कलेक्शन है वो जिस तरीके से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है ये काफ़ी पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो अभी जो रिसेंटली कोविड की वजह से जो क्लेम्स यहाँ पे बढ़े हैं तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे मार्जिन्स में इशू दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभी देखिए 637 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और लगभग 750 से भी ऊपर का इसका हाई है। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे अराउंड 15-16% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम करेक्शन हमने इस स्टॉक में देखा है। लेकिन अगर हम ICICI प्रूडेंशियल से कंपेयर करेंगे तो इसके नेट प्रीमियम कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहिए। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं और इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बेचना ही यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि HDFC Life के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।